देखिए, यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है जहाँ पर इंसान की तरबियत होनी है। इंसान ने ये सीखना है कि वो किस तरह से ज़िंदगी के मामलात को देखेगा, वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा सोसाइटी में। वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को स्टडी करता है, उस पर अमल करता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है और अपने इल्म में इजाफा करता है, अपनी नॉलेज में इजाफा करता है, और इस तरह से इंसान की तरबियत होती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे माशरे में स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ बेहयाई का गढ़ बन चुके हैं। आपको हर तरह की बेहयाई जो आप बाहर तलाश करते हैं वो आपको यूनिवर्सिटी मौका देगी कि आप यहाँ पर आकर करें। और ये हमारे नौजवान, स्पेशली जो हमारी यूथ है ना, वो इसमें इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है कि इनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। आप यूनिवर्सिटी का दौरा करें, आपको पता चलेगा कि किस तरह से हर वो काम जो आप घर पर नहीं कर सकते, जो आप सोसाइटी में नहीं कर सकते, जो आप सरेआम अपने वालदैन के सामने नहीं कर सकते, आप अगर आप सोसाइटी में करेंगे आपके साथ लेबर लगेंगे कि ये तो ये है, ये तो वो है, यानी आपको बुरे बुरे अलकाबात से नवाजा जाएगा। वो तमाम काम आप जाकर यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, आप डेट्स कर रहे हैं, आप अफेयर्स चला रहे हैं, आप जाकर गाने सुन रहे हैं, आप सिगरेट नोशी कर रहे हैं, आप डिफरेंट बुरे कामों में इन्वॉल्व हैं। सिर्फ किस वजह से? कि यूनिवर्सिटी आपको वो प्लेटफॉर्म दे रही है कि आए भाई आप यहाँ पर जो मर्जी करें, आपको मना नहीं किया जाएगा। 99% यही हो रहा है, एक्सेप्शन इज देयर, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन 99% इस तरह का आपको माहौल देखने को मिलता है यूनिवर्सिटीज़ में, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, देखिए बचपन से ही जब बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया जाता है तो उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है गुनाह करने की, और अगर वो करना भी चाहे तो उसको लिमिट्स, रूल्स स्कूल्स के रोक लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस स्कूल्स में कोएजुकेशन नहीं होती है, और जिन स्कूल्स में कोएजुकेशन होती है उनमें इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, यू नो, ब्लॉक्स ज्यादा हैं, क्लासेस ज्यादा हैं, तो बच्चे चाह के भी ऐसे कल्चर को, ऐसी हराम चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी हद तक रूल्स लिमिट्स आपको देखने को मिलती हैं, जिससे गुनाह की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। लेकिन यूनिवर्सिटी की बात करें तो यू नो, यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही ऐसा वेलकम किया जाता है बच्चों का, ऐसा माहौल को दिखाया जाता है। तो कहते हैं असल दुनिया तो हमने अब देखी है, यू नो, आप जो जेंडर्स हैं, अपॉर्चुनिटी है गुनाह करने की, फ्रीडम है, यू नो, कोई पूछने वाला नहीं है। सो यूनिवर्सिटी उनको हर वो चीज़ प्रोवाइड करती है जो वो चाहते हैं। और हम सबको पता है कि क्यों लोग यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, सिर्फ नामहरम के लिए, सिर्फ हराम चीज़ों के लिए, सिर्फ आज़ादी के लिए। बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज़ तो उनको दुनिया में जन्नत लगती हैं कि जो चाहेंगे वो मिलेगा। आप कैफेटेरिया में चले जाएं तो ऐसे लगता है कि जैसे यूनिवर्सिटी का ये जो रेस्टोरेंट है ये पब्लिक रेस्टोरेंट है, कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप नामहरम के साथ हैं, आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं स्टडी ग्रुप्स के नाम पर, आप लोग कैसे दूसरे के साथ अफेयर्स चलाते हैं ये तो सबको पता है। यूनिवर्सिटी में इस तरह का माहौल दिया जाता है और इसको बिल्कुल हलाल बताया जाता है कि देखिए आपने स्टडी करनी है तो आपको मेल एंड फीमेल का इंटरेक्ट तो होगा। इस्लाम इसको हराम करार नहीं देता कि आप मेल एंड फीमेल एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, एक मकसद के तहत आप बात कर सकते हैं, लेकिन स्टडी के नाम पर अफेयर्स चलाना और फिर उसको लॉन्ग टर्म अफेयर्स बनाकर जना की तरफ ले जाना ये तो बिल्कुल ही इस्लाम में हराम है। और इस्लाम आपको एक तरीका बताता है, इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ है, इस्लाम आपको बताता है कि आपने किस तरह एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है। जब आप सूरह नूर को स्टडी करते हैं, सूरह नूर की वर्स 30-31 को देखें तो अल्लाह ताला आपको बताते हैं कि जब नामहरम मर्द जो हैं वो नामहरम औरत को देखें तो वो नजरें नीची रखें, और इसी तरह जो औरत है जब वो मर्द को देखे तो अपनी नजरें नीची रखे। यानी कि आपको स्टाइल बताया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है कि आपने इंटरेक्ट तो करना है लेकिन आपने किस तरह से करना है। लेकिन यूनिवर्सिटी में आप जब तक नजरें उठा के 2-3 मिनट तक देखेंगे नहीं, आपको लो कॉन्फिडेंस कहा जाएगा कि आप में तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। सो ये हमें यूनिवर्सिटी बता रही है कि आपने इस तरह से इंटरेक्ट करना है, जबकि इस्लाम आपको बिल्कुल अपोजिट बताता है। तो यूनिवर्सिटी में इन शॉर्ट वो तमाम काम हो रहे हैं जो कि इस्लाम में हराम है। इस्लाम इनको किसी और तरह से डील करने का हुक्म देता है और यूनिवर्सिटी आपको किसी और तरह से ही वे ऑफ लाइफ सिखा रही है, जिसका एंड रिजल्ट हमारे पास ये आता है कि हमारे पास डिप्रेशन के केसेस आ जाते हैं, एंग्जाइटी के केसेस आ जाते हैं कि सुकून नहीं मिल रहा, सब कुछ कर लिया है, यूनिवर्सिटी के 4-5 साल जब ख़त्म हुए हैं तो फिर जब इंसान का दिल टूटता है या उसे ठोकर लगती है कहीं से या फिर उसको लॉस हो जाता है, वो तन्हा होता है, तो फिर वो बैठ के सोचता है कि यार मैंने सब कुछ किया, मैंने अफेयर्स भी चलाए, मैंने शराब नोशी भी कर ली, मैंने सिगरेट्स भी पी लिए, मैंने ड्रग्स भी ले लिए, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा। तो फिर उसके सामने से जब आयत गुजरती है अल्लाह की, अल्लाह का कलाम गुजरता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल कुलूब, कि बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है, तो फिर उसकी अक्ल काम करती है कि यार क्यों ना मैं पहले ही इसको पढ़ लेता तो मेरे को 4-5 साल जिंदगी के जाया ना हो, लेकिन तब वक्त गुजर चुका हो। तो यूथ को चाहिए ना कि वो इस्लाम को खुद स्टडी करे। हम क्यों खुद स्टडी नहीं करते? हमारे पास 4-5 साल हैं, हम एक बुक के ऊपर अपना इतना इतना टाइम लगाते हैं
उसको रटते हैं, उसको याद करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कुरान की रोज़ाना की एक आयत को ही तफसीर के साथ स्टडी करके देख लें कि जिसने मुझे पैदा किया है, जो मुझे रोज़ ज़िंदगी दे रहा है, जो मुझे रोज़ खाने को दे रहा है, रहने को दे रहा है, छत दी है, हर बीमारी से महफूज रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्यों मैं उसके कलाम को स्टडी नहीं कर। तो ये हमारे नौजवानों के अंदर शऊर किसने पैदा करना था? तलीमी इदारों ने ही पैदा करना था ना कि बेटा ये जो आप तलीम हासिल कर रहे हो ये तो आपकी दुनियावी तलीम है, लेकिन आपकी जो दुनिया व आहरत की कामयाबी है वो किसी और सिलेबस में है, उसको भी आप स्टडी करें। लेकिन अफसोस कि यूनिवर्सिटी ने जो दुनियावी तलीम देनी थी वो भी नहीं पूरी तरह से अदा करी, बल्कि उसके अपोजिट ही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, आपको स्कैंडल्स, यू नो, अफेयर्स, आपको टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन जिस तरह से ख़राब किया गया है और दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, स्पेशली पाकिस्तान में जिस तरह से स्कैंडल्स हो रहे हैं मुसलमानों के दरमियान, टीचर भी मुसलमान है, स्टूडेंट भी मुसलमान है, और इस तरह से आपको फहाशी और बेहयाई के काम देखने को मिल रहे हैं कि आप कानों को उंगलियाँ लगाएंगे कि ये क्या हो रहा है। आज से पहले तो हमने ना कभी इसके बारे में सुना था ना देखा था, लेकिन ये आपको अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपको ये देखने को मिलता है। वो CGP के चक्कर में पता है स्टूडेंट्स क्या क्या करते रहते हैं, यू नो, और टीचर्स के पास भी अपॉर्चुनिटी होती है वाली कि उनके पास भी मौका मिलता है कि आप स्टूडेंट से हर एक बात बनवाई जाए, और यू नो सारी बातें फिर दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, कुछ बाकी रूहानी बाप हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो असल बाप कहलाने के लायक भी नहीं है। बिल्कुल, और ज़्यादा आपको फीमेल्स में ये केसेस देखने को मिलते हैं, फीमेल्स आसानी से इनके ट्रैप में आ जाती हैं, और फीमेल्स यू नो इमोशनली वीक भी होती हैं, स्ट्रांग नहीं होती एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, सोसाइटी में उस तरह से नहीं वो रहती कि उनको पता हो कि इस तरह भी मामलात होते हैं। और थर्ड जो मेन इसमें कंपोनेंट आ जाता है ना वो है पेरेंट्स। पेरेंट्स को अगर आप बताएं भी ना तो कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं बेटा ऐसे तो हो ही नहीं सकता, वो तो तुम्हारी बाप की उम्र का है, वो तो बुजुर्ग, आपको गलत फहमी हुई होगी, ये देखने को मिलता है। इवन कि जब आप इंतजामिया से इस बारे में बात करें तो वो भी मानने को तैयार नहीं होते कि इस तरह का कोई स्कैंडल हो रहा है। यही वजह है कि ज़्यादातर फिर जो फीमेल्स हैं वो खामोश हो जाती हैं और उसको फिर लॉन्ग टर्म रिलेशन को चलाती हैं और एट द एंड जिना तक बात पहुँच जाती है। फीमेल्स को एजुकेट ही नहीं किया जाता इस हवाले से कि बेटा जब आपको एजुकेशन में जाओगे वहाँ पर मेल्स भी हैं, बेशक वो आपके टीचर्स हैं, आपके रूहानी बाप हैं, उनकी इज्जत करें, लेकिन एक लिमिट तक। जब नामहरम के बारे में बताया ही नहीं गया कि टीचर जो है वो भी आपका नामहरम है, बेशक वो रूहानी बाप है, इंसान है, अच्छा इंसान भी हो सकता है, एक्सेप्शन इज देयर, लेकिन वो आपके लिए नामहरम है, आपने उसके साथ जो इंटरेक्ट करना है वो एक लिमिट तक करना है। हमें नहीं सिखाया जाता अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से फीमेल्स जो हैं वो रूहानी बाप को असल बाप समझते हुए उसकी हर बात जायज़ और नाजायज़ मानती चली जाती हैं। फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ट्रैप किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। फीमेल्स के साथ इस तरह के केसेस देखने को मिले हैं कि आपकी अक्ल हैरान रह जाती है कि इतने एजड टीचर्स इतनी यंग फीमेल्स के साथ रिलेशन में हैं, फिजिकल रिलेशन्स में हैं, और फिर एट द एंड या तो उनकी शादी हो जाती है अगर तो वो थोड़े से सिंसियर हो जाएं, या फिर बात अबॉर्शंस तक चली जाती है और फिर पेरेंट्स भी रोते हैं और वो लड़की भी बैठ के रोती है। बिल्कुल, और देखना उनको फिर बकायदा ब्लैकमेल भी किया जाता है, उनकी वीडियोज रिलीज कर दी जाती हैं, रिसेंटली हज़ारों में वीडियोज लीक हुई हैं, तो उन पर क्या बीती होगी, उनके घर वालों पर क्या बीती होगी, ये टीचर्स नहीं सोचते हैं, और फीमेल्स अपना खुद ध्यान नहीं रखती हैं, यू नो ट्रैप्स में आ जाती हैं और पहचान नहीं पाती कि कौन हमारा रूहानी बाप है, कौन मुझे किस नज़र देख रहा है, हालांकि फीमेल्स सेंसेस बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं इस मामले में। बिल्कुल, सेंसेस तो होती हैं, लेकिन फीमेल्स चंद तारीफी जुमलों के लिए अपने ज़मीर का सौदा कर देती हैं। अगर टीचर ने थोड़ी सी तारीफ कर दी ना कि बेटा आप तो बहुत अच्छे हो, आप क्लास में सबसे इंटेलिजेंट हो, और तीन चार जुमले बोल देते हैं और फीमेल्स फ़ौरन से उनकी बातों में आ जाती हैं और फिर नंबर्स तक बात जाती है और फिर कहाँ तक बात चली जाती है, उसके ऊपर तो आप बात ना ही करें। तो फीमेल्स सिर्फ चंद जुमलों के लिए अपनी इज्जत का सौदा कर देती हैं, ये नहीं देखती हैं कि ये जो तारीफी जुमले में मुझे ट्रैप किया जा रहा है ये मुझे कितना नुकसान दें। और बाकी काम देखें शैतान पूरा कर देता है, शैतान तो फिर है ये देखें बस सजा लाने के लिए नो, और अल्लाह ने पहले ही कुरान पाक में हमें से आगाह किया हुआ या अय्युहल लज़ीना आमनु ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, के ऐ ईमान वालों शैतान की पैरवी मत करो, और मन यत्तबिउ खुतुवाति शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फाहिशाति वल मुनकर, और जो प्यारी करेगा शैतान कदम होगी तो बेशक वो बेहयाई और फाशी को कम देता है। बिल्कुल, शैतान हमें इस तरह से ट्रैप करता है कि तब हमें माहौल सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है कि नहीं नहीं ये गलत नहीं हो सकता। शैतान देखिए उसका काम है वसवसा दिलाना, और कुछ शैतान इंसानों में से भी आपके साथ मिल जाते हैं कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं वो आपको इस तरह से बहलाएंगी कि नहीं नहीं वो तो तुम्हें बहुत पसंद करता है, वो तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, आपको इस तरह से मजाक किए जाएंगे, और फीमेल्स उसको अपने अंदर समाती रहती हैं और फिर दिन रात उसके बारे में सोचती हैं, और फिर यही सोच वो प्यार मोहब्बत का नाम
काम दे देती हैं। एट द एंड हर नाजायज बात उस लड़के की उस नामहरम की मान कर और वो जिना तक पहुंच जाती है। बिल्कुल, हमारे फ्रेंड्स ही हैं जो इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हैं कि हर आम मिशन है तो क्या हुआ, एक गर्लफ्रेंड है, दो गर्लफ्रेंड है तो क्या हुआ, हम भी सारी चीज़ों में लगे हुए हैं। और जितनी आप देख लें, वीड कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई वेप पी रहा है, ये सारा कहाँ शुरू होता है? फ्रेंड्स से शुरू होता है। यू नो, घर वाले तो अभी तक ऐसी तालीम देते नहीं है। बिल्कुल, जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। जिस कंपनी में आप रह रहे हैं आपको बहुत अच्छे से उसको चूज करना होता है। अगर आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा इंसान है जो आपको इस तरह से चीज़ों को नॉर्मलाइज करके बताता है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आपको तो उस जंजाल में फंसा रहा है, उसमें नुकसान आपको होगा, वो तो सिर्फ आपको यू नो वसवसा दिला रहा है और आप उस पर अमल करते जा रहे हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि सोहबत का इंसान पर बहुत असर होता है। जब तक आप अच्छी कंपनी नहीं चूज करेंगे आप एक अच्छे ट्रैक पर और अच्छे फ्यूचर में नहीं जा सकते। या और फिर जिस तरह से यूनिवर्सिटी आए दिन आपको एक ऐसा नया फेस्टिवल दे रही है, ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है कि आप सारे हराम खुल कर सकें। बिल्कुल, हर दूसरे दिन कोई ना कोई फंक्शन रख लिया जाता है, उसको फेस्टिवल का नाम दे लें, उसको कॉन्सर्ट का नाम दे लें, उसको म्यूजिक नाइट का नाम दे लें, उसको किसी कल्चरल प्रोग्राम का नाम दे लें, यानी नाम के सिर्फ वो फंक्शन होंगे लेकिन उसमें होगा यही सब कुछ। उसमें डांस होगा, म्यूजिक होगा, ऑपोजिट जेंडर इंट्रैक्शंस होगा, उसमें हर तरह का काम होगा। और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मलाइज करके दिखा रहे हैं। यानी जिस तरह आप कॉन्सर्ट्स को देख लें, कॉन्सर्ट्स में क्या हो रहा है, क्या सिखा रहे हैं आप यूनिवर्सिटी के बच्चे? यहीं एक पॉइंट इसका बता दें कि कॉन्सर्ट से आपको एक फायदा हो रहा है, एक फायदा भी नहीं, सिर्फ हो रहा है तो वो है हराम चीजें वहां, और हराम से रिलेटेड बेतहाशा आपको चीजें वहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये आप यूथ का नुकसान कर रहे हैं या फायदा कर रहे हैं? ये सिर्फ फायदा हो रहा है यूनिवर्सिटी की अर्निंग्स के अंदर, लेकिन यूथ को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। और जो यूनिवर्सिटी को चलाने वाले बैठे हुए हैं उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं। और जो ये काम चला रहे हैं वो इस्लाम को अगर खुद फॉलो करने वाले होते तो वो इस तरह के काम करते ही ना, उनको इस्लाम से कोई कॉन्सर्न नहीं है। यूथ बर्बादी की तरफ जा रही है तो जाए, इस्लाम का निज़ाम आखिर यूथ ने ही नाफिज करना था ना, लेकिन इस्लाम का निज़ाम यूथ को पढ़ाया ही नहीं जा रहा। जब वो इस्लाम का निज़ाम सुनते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं कि यार ये कौन सी रॉकेट साइंस है, ये क्या चीज़ हमारे सामने आ गई, जबकि ये नौजवानों ने ही करना होता है। हमेशा तब्दीली जो है, जो रेवोल्यूशन है, वो नौजवान से ही आता है। तो जब हमारे नौजवान ही नाच गाने में, कॉन्सर्ट्स में, अफेयर्स में, डेट्स में, इन चीज़ों में लग जाएंगे तो फिर इस्लाम का निज़ाम कौन लेकर आएगा? आप तरीक खोल कर देख लें कि जितनी भी हुकूमतों पर जवाल आया है, जितनी भी बादशाहत पर जवाल आया, वो किस वजह से है कि उनको हमने इस्लाम से हटा कर दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया और फिर ये फहाशी, ये बुराई नतीजा बनी उनके जवाल। आज अगर हम बात करते हैं ना कि हमारे ऊपर जवाल है, मुस्लिम उम्मत पर जवाल है, पाकिस्तान पर स्पेशली जवाल है, तो वो किस वजह से? पाकिस्तानी कौम को तो देखें आप उठाकर, यूनिवर्सिटीज का दौरा करें ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि जवाल क्यों है। आज हमारा नौजवान इस्लाम से दूर भागता है, वो दाढ़ी वाले को देखते नहीं, हिजाब वाले को देखते नहीं, तो अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो फिर यही होगा ना कि जब आप यूथ को इस तरह का माहौल देंगे, हमेशा उनको बिजी रखेंगे इन हराम कामों में, तो वो हलाल की तरफ किस तरह से आएंगे? तो यूनिवर्सिटीज एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है हमारे माशरे के जवाल में भी और उम्मत मुस्लिमा के जवाल में भी। देखिए, कॉन्सर्ट्स में होकर आए, एक सिंगर आता है, बहुत भी नाचता है और दूसरे को नचाता है, इस जैसे डम थिंग कि आप किसे इशारों पर नाच रहे हैं, थोड़ी सी अकल हो कि इसमें मेरा क्या फायदा है, एक दुनिया खराब हो रही, मेरी आहरत खराब हो रही है और मैं किस चीज़ की तरफ जा रहा हूँ, जिस चीज़ को हमारे इस्लाम ने सबसे नापसंदा, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जिना है। जो कहा हमें क्या फरमाया, बोला तकरब जिना, कि तुम जिना के करीब ही मत जाओ, कहना तो बहुत दूर की बात, तुम्हें जिना के करीब नहीं जाना। तो हम बच्चे नहीं हैं, यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा नहीं है, सबको पता है कि एक चीज़ हमें किस तरफ लेके जा रही है। ये पहले स्टेप सबको पता होते हैं, कौन से स्टेप से शैतान हमें जिना की तरफ लेके जाता है। तो अल्लाह ताला पहले एक फरमा दिया, इन्ना काना फाहिशत वसअ सबीला, बेशक ये फाशी और बुरा रास्ता है। और देखें, सोचने की बात यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ आए दिन कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, नाच गाना आम है, और वहाँ पर फलस्तीन में हमारे ही मुसलमान बहन भाई जिनसे हमारा ईमान का ताल्लुक है, हमारे मुसलमान बच्चे आए दिन मर रहे हैं, वहाँ पर उनकी डेड बॉडीज़ में रोज़ाना इजाफा हो रहा है और हमारे यहाँ पर टिकट्स में इजाफा किया जा रहा है, हमारे यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से हम नौजवानों को कॉन्सर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें, इतना उसके ऊपर प्लान किया जा रहा है। तो क्या यही लोग जो इतने शार्प माइंड्स हैं इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं? तो क्या कोई इस तरह का प्लान नहीं निकाल सकते कि किस तरह हम यूथ को मोटिवेट करें, किस तरह से इनको स्पार्क दें कि ये फ़लस्तीन के लिए कुछ कर सकें? कुछ दिन देखें, सिर्फ फ़लस्तीन का हमें ख्याल आया है, हमने पोस्ट शेयर कर दी, हमने रील्स शेयर कर दी, हमने दो तीन बार रैलियाँ निकाल दी, तो हम समझते हैं कि बस हमने हक अदा कर दिया। अब जहाँ पर भी कोई प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा
मिलेगा, हमें टाइम मिलेगा, हम उसे अपनी बेहयाई अपने दूसरे कामों में इन्वॉल्व करें। हम अब फलस्तीन की बात मजीद नहीं करेंगे क्योंकि 2-3 बार हमारा फर्ज था बस करना, उसके बाद अब हम नहीं करेंगे। ये हमारी यूथ का हाल है कि हम लोग अपने ईमान को भी सिर्फ 3-4 घंटे तक ही शो कर सकते हैं, शो करने के लिए भी सिर्फ 3-4 घंटे, तो अमल करना तो बहुत दूर की बात है। तो कॉन्सर्ट्स में अगर हम 3-3, 4-4 घंटे बैठ सकते हैं, वहां पर हमें कोई नींद नहीं आती, वहां पर हमें कोई इकताहट महसूस नहीं होती, क्योंकि शैतानी काम है ना, वो आपको हमेशा उसको बहुत अच्छा करके दिखाएगा। शैतान ने तो कसम खाई, इसने हमें भटकाना है, और हम लोग भी क्या ही उसके इशारों पर नाचते हैं कि ठीक है तुम हमारे आका हो, हम सिर्फ नाम के मुसलमान, हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन उसकी मानते नहीं है, मानते हम शैतान की, कि जो शैतान तुम कहोगे तुम हमारे सिरदार हो, हम बहुत लाचार हैं, बेबस हैं, हम लोग तुम्हारे आगे हार मान रहे हैं। वैसे हम किसी चीज़ के आगे हार नहीं माने, लेकिन शैतान के आगे फौरन घुटने टेकते हैं। तो ये हमें सोचना होगा कि आखिर कब तक हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे। कॉन्सर्ट्स कितनी देर तक आप इंजॉय करेंगे, ये कुछ देर का मजा है, जैसे ही ये थोड़ा सा नशा आपके ऊपर से उतरेगा आप दोबारा से उसी बेसुकूनी में आ जाएंगे। तो क्यों नहीं आप परमानेंट सुकून की तरफ आते, जब अल्लाह ताला आपसे कह रहे हैं कि आपके दिलों का सुकून मेरे पास है, अल्लाह की तरफ है, उस दर पे है, वहां पर आप जाके 3-4 घंटे नहीं दे रहे, लेकिन जहाँ पे टेम्पररी सुकून है और सिर्फ दुनिया की एक लस्ट है, वहां पर आप 4-4, 5-5 घंटे दे रहे और पैसे भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब दीन की बात आती है तो हमारे पास ना तो पैसा रहता है, ना हमारे पास टाइम होता है, ना हमारे पास किसी किस्म की कोई अटेंशन होती है, और फिर इस पर हम ख्वाहिश रखते हैं कि हम जन्नत में जाएं। तो वो इकबाल का बहुत खूबसूरत शेर है कि बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा ना सके इकबाल, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने। तो हम लोगों की एफर्ट्स देखे ना, अल्लाह ताला ने दुनिया को एफर्ट्स के साथ जोड़ा हुआ है कि आप जिस चीज़ के लिए एफर्ट करेंगे आपको वो मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि आप जिंदगी के 50, 60, 70 साल आप लोग बेहयाई में गुजारें, हराम ताल्लुकात में गुजारें, अल्लाह की नाफरमानियों में गुजारें, और फिर आप ये भी नीयत रखें, ये भी ख्वाहिश रखें कि मैं जन्नत में जाऊँ। अल्लाह ताला तो रहीम है, नो डाउट, लेकिन अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला। तो हमें कॉन्सर्ट्स की बजाय हमें अपनी आहरत की तैयारी करनी चाहिए, वहां पर टाइम वेस्ट करने की बजाय अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। बिल्कुल, और देखिए बदकिस्मती की बात यह है कि जिनका हमने कल्चर कॉपी किया था, आज वो देख लें कि वो हर रोज प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं फलस्तीन के लिए। ये लोग कॉन्सर्ट्स वाले थे, शराबे पीने वाले, नाच गाने वाले, हर एक हराम काम करने वाले, उनको इंसानियत का एहसास आ जाए ना, उनका उनसे कोई ईमान का रिश्ता है ना कोई फिजिकल रिश्ता है, लेकिन फिर भी इंसानियत के लिए उनको ख्याल आ गया और रोज रोज क्या उनको पड़ी हुई है कि 3-4 घंटे चल के प्रोटेस्ट निकाल। और जिनका ये फर्ज था, जिनको हुक्म था कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम लोगों के लिए निकाले गए हो, वो बाहर नहीं निकल रहे, और जो लोगों के निकाले नहीं गए वो बाहर निकल रहे हैं। तो ये हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि जो दौर चल रहा है उसके हिसाब से खुद को अपग्रेड करें, अपडेट रहें हर हवाले से कि आजकल सोसाइटी में क्या हो रहा है, किस तरह से बच्चे स्कैंडल्स कर रहे हैं, किस तरह से माँ बाप को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आजकल तो आपके फिंगर टिप्स पे है सब कुछ, मोबाइल पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो माओं को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों पर नजर रखें कि ये बैग में बुक्स ही लेकर जा रही है या फिर मेकअप किट्स लेकर जा रही है, क्योंकि बच्चियां ऐसे करती हैं, जब वो नोट करती हैं कि मामा मुझे देख रही हैं, मेरे पे नजर रख रही हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि मैं कुछ इस तरह से करूं कि इनको ये लगे कि मैं तो स्टडी के लिए जा रही हूँ। वल्लाही मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे केसेस देखे हैं कि बच्चियां बुक्स की बजाय मेकअप किट्स लेकर आती हैं बैग, वो व्हीकल्स में तैयार होती हैं और फिर वहां से यूनिवर्सिटी में जाती हैं, और माँ बाप को खबर तक नहीं होती, और यूनिवर्सिटी में जाकर क्या कर रही होती हैं, या तो वो टिकटॉक्स बना रही हैं, या फिर वो लड़कों को इम्प्रेस कर रही होती हैं, या वो टीचर्स को इम्प्रेस कर रही होती हैं, और ये सारा दिन वो करके और वहाँ से ही कहीं और रेस्टोरेंट्स में चली जाती हैं, वहाँ से वापस आती हैं, और ये सारा प्लान करके, और ये अकेली लड़की नहीं करती, उसके साथ हमेशा एक दूसरी फ्रेंड भी इन्वॉल्व होती है जो कि उसको बड़ा नॉर्मलाइज करके बताती है कि नहीं तुम गलत नहीं कर रहे। देखिए इंसान है ना, तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ रखी है, एक बार सोचता जरूर है आया ये गलत है या दुरुस्त है, लेकिन जब उसको लगता है ना कि ये गलत मैं कर रही हूँ, तो वो फ्रेंड उसको थपकी देती है कि नहीं नहीं तुम परेशान ना हो, तुम सही जा रही हो, तुमने भी तो जिंदगी गुजारनी है ना, तुम्हारी अम्मी ने अपनी गुजार ली है, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुमने इसको जीना। वो ये इस तरह से ये जो फ्रेंड्स होते हैं ना, ये जो बैड कंपनी है, ये इस तरह से आपको चीज़ों को, हराम चीज़ों को नॉर्मलाइज करके बताते हैं। तो कंपनी का तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इफेक्ट है, और इस पर अफसोस की बात ये हमारी यूनिवर्सिटी में तो ये नॉर्मल हो गया हुआ है कि टिकटॉकर्स ने यूनिवर्सिटी को अपना सेंटर बना लिया हुआ है, कि जब आप देखते हो यूनिवर्सिटी में आप जाते हो तो आप दाएं तरफ नजर करोगे तो कोई टिकटॉकर वीडियो बनाता नजर आएगा, आप बाएं तरफ नजर
करोगे तो आपको टिकटॉकर ब्लॉगिंग करता नजर आएगा। तो ये आजकल आपको माहौल में देखने को मिलता है। तो जो नया स्टूडेंट होता है जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है तो पहले तो उससे बड़ी घबराहट महसूस होती है कि ये क्या हो रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंपनी, उसका माहौल उसको चीज़ों को नॉर्मलाइज करके बताता है कि तुम्हें अगर इधर रहना है ना तो फिर ये सब तो तुम्हें करना पड़ेगा, ये तो तुम्हारी मजबूरी है, तुम करना तो नहीं चाहते लेकिन तुम्हारे लिए मजबूरी बन गई है। इसी तरह से कुछ लोग दुनिया में भी आपको सोसाइटी में मिलते हैं जो आपको हराम चीज़ों को हलाल करके बताते हैं। तो हमारे ऊपर है ना कि हम किस तरह से चीज़ों को डील करते हैं, कि आपने ये नहीं कि आपके सामने 100 लोग हराम काम कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं तो आप भी खड़े हो जाएं कि इतने लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। यू नो मेजोरिटी से आप फैसला नहीं कर सकते, आपने हक का साथ दिया। तो आपका माहौल जिस तरह भी हो, आपकी कंपनी जिस तरह की भी हो, आपने उसको क्विट करना है सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। बिल्कुल, ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम किस रास्ते को चूज करते हैं, जहन्नम का या जन्नत का। कुरान पाक में आता है ना कि तुम नेक अमाल करोगे तो उसका सिला तुम्हें मिलेगा और अगर तुम बुरे अमाल करोगे तो उसके जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि रब तुम्हारा किसी पर जुल्म नहीं करता। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हदायत वालों में शामिल होना चाहते हैं या गुमराहों में शामिल होना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने फ्री विल दी हुई है आपको और साथ किताबें दी हैं, अब कराम इस्लाम ने आपको अल्लाह ताला की तालीमात पहुँचा दी हुई हैं। अब आप पे डिपेंड करते हैं, आपके पास कोई बहाना नहीं, तो कोशिश आपने करनी है। देखिए आप अल्लाह पे छोड़ नहीं सकते हैं। कुरान पाक में आता है ना, अगर अल्लाह चाहता जितने भी दुनिया में लोग हैं सबको हदायत देता। बिल्कुल, हमारे माशरे में आपको यही सुनने को मिलता है कि अल्लाह ताला मुझे हदायत देगा तो मैं कर लूँगा, अल्लाह ताला अगर मुझे हदायत देगा तो मैं इस रास्ते पर आ जाऊँगा, अल्लाह ताला हदायत देगा तो दाढ़ी रख लूँगा, अल्लाह ताला हदायत देगा तो मैं पर्दा कर लूँगी। ये आपको बहुत कॉमन आंसर देखने को मिलता है कि अल्लाह ताला अगर चाहता तो मुझे हदायत दे देता। देखिए अल्लाह ताला तो फरमाता है कि अल्लाह ताला उसको हदायत देता है जो उसके लिए कोशिश करता है। आप अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला आपको हदायत कैसे देंगे? ये हमने इस पॉइंट को क्लियर करना है। अल्लाह ताला ने तो आपके सामने सब कुछ वाज़ह कर दिया कि ये हक है ये बातिल है, आपके सामने ये हराम है ये हलाल है। दुनिया आपको हराम की तरफ खींचेगी, सुकून आपको आर्जी तौर पर मिलेगा, लेकिन हलाल हमेशा का है, जन्नतें हमेशा की हैं। 60 साल 70 साल के बदले में हमेशा की जन्नतों को ना ठुकराओ, वो हमेशा की जिंदगी है। तो अगर तुम लोग तो फैसला अब आपका है कि आपने अपने ऊपर जुल्म करना है, क्योंकि ये जुल्म ही है कि आप 60 साल 70 साल की टेम्पररी लाइफ के बदले में हमेशा की जिंदगी को ठुकरा दें, हमेशा का नुकसान खरीद, हमेशा की जहन्नुम खरीदें। तो आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर जुल्म ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला फिर जालिमों को हदायत नहीं देता। अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़ह तौर पर फरमाते हैं वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, कि बेशक अल्लाह जालिमों को हदायत नहीं देता। तो हमें इस चीज़ को समझना है, बेशक दुनिया की जो लज्जतें हैं वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, आपको हराम की तरफ बुलाती हैं, ये कॉन्सर्ट्स, ये फेस्टिवल्स, ये नाइट्स, ये ऑपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन, नो डाउट इन चीज़ों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हम देखें जहाँ पर 0.001% भी चांस होना, हम रिस्क लेने में ज़रा देर नहीं करते कि चलो 0.1% तो चांस है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला आपको हलाल के इतने तरीके बता रहे हैं कि देखो ये भी ले लो, ये भी हलाल है, ये भी हलाल है, बस 1000 में से एक हराम है, उस हराम की तरफ ना जाओ। लेकिन हम लोग हैं कि उस हराम की तरफ जा रहे हैं, तो लौट आए अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ रुजू करने में देर ना करें, इन कॉन्सर्ट्स को, इन फेस्टिवल्स को, इन तमाम हराम फंक्शंस को क्विट करें और दूसरों को भी इसके बारे में गाइड करने की कोशिश करें। मुश्किल नहीं है, अगर आप करना चाहेंगे ना तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। यूनिवर्सिटी आप जाएं, यूनिवर्सिटी में जाना गुनाह नहीं है ना ही हराम है, सिर्फ वहां पर जाकर हराम चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना ये गलत है। बिल्कुल, अल्लाह ताला हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और जो हमने बातें की उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।